अय्यूब की पुस्तक अध्याय 32 अय्यूब की पुस्तक अध्याय 32। तब उन तीनों पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष है, उसको उत्तर देना छोड़ दिया और बुजी बारकेल का पुत्र एलीहू, जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं, अपने ही को निर्दोष ठहराया। फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर न दे सके, तो भी उसको दोषी ठहराया। एलीहू तो अपने को उनसे छोटा जानकर अय्यूब की बातों के अंत की बाट जोहता था, परंतु जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते, तब उसका क्रोध भड़क उठा। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू कहने लगा कि मैं तो जवान हूं और तुम बहुत बूढ़े हो, इस कारण मैं रुका रहा और अपना विचार तुमको बताने से डरता था। मैं सोचता था कि जो आयु में बड़े हैं वे ही बातें करें और जो बहुत वर्ष के हैं वे ही बुद्धि सिखाए, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है। जो बुद्धिमान है वे बड़े बड़े लोग ही नहीं और न्याय के समझने वाले बूढ़े ही नहीं होते। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी भी सुनो, मैं भी अपना विचार बताऊंगा। मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को ठहरा रहा, मैं तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिए ठहरा रहा, जबकि तुम कहने के लिए शब्द ढूंढते रहे। मैं चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा, परंतु किसी ने अय्यूब के पक्ष का खंडन नहीं किया और न उसकी बातों का उत्तर दिया। तुम लोग मत समझो कि हमको ऐसी बुद्धि मिली है कि उसका खंडन मनुष्य नहीं परमेश्वर ही कर सकता है। जो बातें उसने कही वह मेरे विरुद्ध तो नहीं कही और न मैं तुम्हारी सी बातों से उसको उत्तर दूंगा। हे विस्मित हुए और फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, उन्होंने बातें करना छोड़ दिया, इसलिए वे कुछ नहीं बोलते और चुपचाप खड़े हैं। क्या इस कारण मैं ठहरा रहूं? परंतु अब मैं भी कुछ कहूंगा, मैं भी अपना विचार प्रकट करूंगा, क्योंकि मेरे मन में बातें भरी है और मेरी आत्मा मुझे उभार रही है। मेरा मन उस दाख मधु के समान है जो खोला गया हो, वह नई कुप्पियों की नाई फटा चाहता है। शांति पाने के लिए मैं बोलूंगा, मैं मुंह खोलकर उत्तर दूंगा। न मैं किसी आदमी का पक्ष करूंगा और न मैं किसी मनुष्य को चापलूसी की पदवी दूंगा, क्योंकि मुझे तो चापलूसी करना आता ही नहीं तो मेरा सृजनहार क्षणभर में मुझे उठा लेता।